দিন ধরে কাতার ও ওমান থেকে এলএনজি আমদানি হয়ে আসছে বাংলাদেশে। সেখানে প্রথমবার রাশিয়া এলএনজি রপ্তানির প্রস্তাব দিল। মস্কোর সঙ্গে আলোচনা এগোলে রাশিয়া হবে এলএনজি আমদানির জন্য বাংলাদেশের তৃতীয় উৎসস্থল। এলএনজির পাশাপাশি এলপিজিও বাংলাদেশে রপ্তানি করতে চায় রাশিয়া। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মে হু এহসান খান, মে হু আলি মুর্তজা। আপনি দেখ রহে হ্যায় হামারা ইউটিউব চ্যানেল এহসান রিয়াকশন উইথ এহসান। হাম উম্মীদ করতে হ্যায় আপ জাহাঁ ভি হোঙ্গে এনজয় করতে হোঙ্গে, মজে মে হোঙ্গে অর ফিট ফাট হোঙ্গে। ভিউয়ার্স, বহুত হি আহম ভিডিও হ্যায় কিস তরহ সে রাশিয়া, आपको पता है कि उसने बांग्लादेश को बहुत बड़ी ऑफर्स करवा दी हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार से पांच बड़ी ऑफर्स करवा दी हैं। ये मैं और मुर्तजा नहीं कह रहे, बल्कि ये इंडियन मीडिया कह रहा है, जो अक्सर कहा करता था कि रशिया ने अब मुंह फेर लिया है बांग्लादेश से जी। और अब जनाब उसकी कई और डील चल रही है, चाइना के साथ चल रही है और भारत के साथ चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है मुर्तजा। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश को जो रूस है उन्होंने बहुत ज्यादा ऑफर्स करवाई है। और इसमें देखें किस तरह से जो है रूस उसने ये भी कह दिया है कि भाई आपकी तरफ जो गैस का इतना ज्यादा स्टॉक है, आपके पास गैस जो है इन्वेंट हुई है, वो तो हम लेंगे, लेकिन उसके बाद हम आपको और भी अपने रिसर्चर्स भेजेंगे, अपनी टीम भेजेंगे, वो आकर और भी गैस जो है वो रिसर्च करके ढूंढ के तो हम एक पाइपलाइन बिछाएंगे जिससे प्रेशर बना रहे, और वो पाइपलाइन भी हम ही बिछाएंगे, पाइप भी हम देंगे, सब कुछ हमारा ही होगा, कॉस्ट जो आएगी वो हम पे करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और किस तरह से जो है उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका ने सैंक्शन भी लगाई हुई है कि आप रूबल में जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते रशिया के साथ, तो उन्होंने रशिया ने ये भी रशिया की जो लोकल करेंसी है उसमें नहीं, आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, तो उन्होंने रशिया ने ये ऑफर करवा दिया है कि जो आप चीज इंपोर्ट करेंगे उसके बदले में आप हमें योंग दे देंगे, जो चाइना की करेंसी है वो पैसे दे देंगे आप, लेकिन जब हम कुछ इंपोर्ट करेंगे तो हम आपको रूबल दे देंगे। लेकिन जो बांग्लादेश है वो ये चाहता है कि हम टकाज में करें या रूबल में करें जो है ट्रेडिंग, लेकिन अभी बांग्लादेश की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग तो है लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रांग मैं चाहता हूँ इसके ऊपर हम खुल के बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद जी। ये वीडियो क्लिप है हमारे पास व्यूअर्स, बहुत ही शानदार वीडियो क्लिप है, किस तरह से जो वेस्ट बंगाल मीडिया है, इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है और क्या क्या बड़ी बड़ी ऑफर्स करवा दी हैं, वो भी हम उसके साथ उसके ऊपर रोशनी डालेंगे, तफसील से बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को आपने जरूर देखना है। बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी अभी विजिट किया, तो जनाब सबसे पहले आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें जी वीडियो देखते हैं, 3, 2, 1 एंड क्यू। অসময়ের বন্ধু হতে চাইল রাশিয়া, কিন্তু ঝুঁকিটা নিতে পারছে না বাংলাদেশ। এলএনজি থেকে শুরু করে রুবেল ব্যবহার করে বাণিজ্য আর্থিক লেনদেনের জন্য বড় প্রপোজাল রাশিয়ার, বন্ধুত্ব বজায় রাখতেই কি এত বড় ভুলটা করে ফেলল বাংলাদেশ? এলএনজি সহ আর কি কি এক্সপোর্ট করতে চায় রাশিয়া? বাণিজ্য আর আর্থিক লেনদেন নিয়ে কি প্রস্তাব দিল পুতিনের দেশ? বাংলাদেশের জবাবই বা কি কি চাইছে বাংলাদেশ? চাওয়া পাওয়ার অঙ্কে রাশিয়া বাংলাদেশের সম্পর্ক কোন বাঁকে মোড় নিতে চলেছে? দেখুন প্রথম কলকাতার বিশেষ প্রতিবেদন। এতদিন ধরে কাতার ও ওমান থেকে এলএনজি আমদানি হয়ে আসছে বাংলাদেশে, তবে প্রথমবারের মতো রাশিয়া এদেশের সরকারি পর্যায়ে এলএনজি রপ্তানির প্রস্তাব দিয়ে দিল। মূলত দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানির চাহিদা মেটাতে এই বাংলাদেশে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানির প্রস্তাব দিয়েছে রাশিয়া। ঘাটতির পরিমাণ ঠিক কতটা? বাংলাদেশে বর্তমানে দৈনিক 3,500 মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের চাহিদা যেমন আছে, তেমন এক্ষেত্রে বেশ ঘাটতিও রয়েছে। এর মধ্যে 2,200 মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস আসে আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে, আরো 600 মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস আসে এলএনজি আমদানি থেকে। এতদিন ধরে কাতার ও ওমান থেকে এলএনজি আমদানি হয়ে আসছে বাংলাদেশে, সেখানে প্রথমবার রাশিয়া এলএনজি রপ্তানির প্রস্তাব দিল। মস্কোর সঙ্গে আলোচনা এগোলে রাশিয়া হবে এলএনজি আমদানির জন্য বাংলাদেশের তৃতীয় উৎসস্থল। এলএনজির পাশাপাশি এলপিজিও বাংলাদেশে রপ্তানি করতে চায় রাশিয়া। শুধু তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস নয়, রাশিয়া বাংলাদেশে গ্যাস পাইপলাইন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি রপ্তানির পাশাপাশি ঘোড়াশাল ইউনিট 1 ও ইউনিট 2 আধুনিকায়নের প্রস্তাবও করেছে। এমনকি রাশিয়া মস্কোর মুদ্রা রুবেল বা তৃতীয় কোনো দেশের মুদ্রা ব্যবহার করে বাংলাদেশে বাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেন পরিচালনার প্রস্তাবও দিয়েছে। তৃতীয় দেশ হিসেবে চীনের ইয়েনকে গুরুত্ব দিয়েছে রাশিয়া। ব্যাংকিং লেনদেন নিয়ে আলোচনা করেছে দুই দেশ। আলোচনা হয়েছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়েও। ভার্চুয়ালি শুরু হওয়া রাশিয়া বাংলাদেশ আন্তঃসরকারী কমিশনের বাণিজ্য
অর্থনৈতিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা সংক্রান্ত চতুর্থ অধিবেশন চলাকালীন সময়ে এই প্রস্তাবগুলো দেওয়া হয়েছে রাশিয়ার তরফে। তবে রাশিয়ার দেওয়া এই সব প্রস্তাব বাংলাদেশের জন্য কতটা সুবিধার হবে সেটাও তো জানা প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন রাশিয়ার দেওয়া এই প্রস্তাব বাংলাদেশের জন্য এই মুহূর্তে বিবেচনা করা বেশ কঠিন। যদিও সাবেক ইয়ার্ডির সচিব শফিকুল আজম ডয়চে ভেলেকে বলছেন এগুলো নিয়ে আরো আলোচনা হবে, তবে রুবেল লেনদেনের যে প্রস্তাব এসেছে সেটা বাংলাদেশের জন্য এই মুহূর্তে বিবেচনা করা কঠিন। তার কথায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি হলো সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারোর সঙ্গে বৈরিতা নয়। এটা করতে হলে বাংলাদেশকে অনেকটা ঝুঁকি নিতে হবে, তাতে বিষয়টা বাংলাদেশের পক্ষে আসবে না, আন্তর্জাতিক চাপ বাড়বে। তার ধারণা বাংলাদেশ এখনই সেই ঝুঁকি নেওয়ার পর্যায়ে নেই, এখন যেটা তাদের করা উচিত ট্রেড বাড়ানো এবং ইনভেস্টমেন্টকেই আমাদের প্রাধান্য দিতে হবে বলেছেন তিনি। ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের ইআরডি বিভাগের সচিব শরীফা খান। এই বৈঠক নিয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চাননি। কমিশনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাংলাদেশে গঠিত হয় সিআইএস। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর যে 11টি দেশ হয় তাদেরকেই একত্রে সিআইএস বলা হয়। সিআইএস বিসিসিআই সভাপতি ও এফ বিসিসিআই এর সহসভাপতি হাবিব উল্লাহ ডন ডয়চে ভেলকে বলেন, চার দফা বৈঠকের পরেও কোনো অগ্রগতি চোখেই পড়ছে না। আমরা দীর্ঘদিন থেকে রাশিয়ার সঙ্গে ব্যাংকিং লেনদেন চালুর বিষয়ে দাবি জানিয়ে আসছিলাম, তাই এ বিষয়ে ইতিবাচক কিছু শোনার অপেক্ষায় ছিলাম। এটা হলে বাণিজ্য বাড়বে, নিশ্চিতভাবে রাশিয়ায় বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়বে। তবে আলোচনায় তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি বলে প্রোটোকল সই হয়নি, যদিও বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে এগুলো নিয়ে বিবেচনা করার ঝুঁকি আছে আমরা জানি। किस तरह से वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर जनाब बात कर रहा है और बता रहे हैं कि देखें बांग्लादेश के साथ जो रशिया है वो कितनी बड़ी बड़ी ऑफर्स करवा रहा है और बांग्लादेश ऑफर्स को किस तरह से लेकर चल रहा है और किस तरह इसको टैकल कर रहा है और किस तरह से चाहता है बांग्लादेश सिर्फ अपना फायदा सोचता है, इसमें बड़ी अकलमंदी के साथ और बड़ी समझदारी के साथ इसमें से निकल रहा है और बाहर, और वो नाराज भी नहीं करना चाहता अमेरिका को भी और रशिया को भी, वो बीच रस्ते में नहीं छोड़ना चाहता। और जैसे गैस का मैं कह रहा था कि जो गैस का मामला मेरा ख्याल है और इंडियन मीडिया भी यही कह रहा है कि जो गैस का मामला है इसके ऊपर जो रशिया के साथ डील मेरा ख्याल नहीं करेगा, क्योंकि उनकी पहले सऊदी अरेबिया के साथ एक बहुत बड़ी जो 5 साल डील हुई थी वो हमने पहले भी रिपोर्ट दी है, वो डील हो चुकी है गैस को लेकर के बांग्लादेश की। लेकिन जो दूसरे मामला था उनमें कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करेगा बांग्लादेश, लेकिन कुछ चीज़ों को वो रिजेक्ट कर देगा कि ये चीज़ें हमारे लिए मुनासिब नहीं है, तो वो नहीं हो पाएगी डील मेरा ख्याल है। लेकिन जो सैंक्शन लगाई थी अमेरिका ने, वो शिप जो है वो चिटागोंग में नहीं पहुंच सकती थी, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो सामान लेके आ रही थी शिप, हमने रिपोर्ट भी इसके ऊपर पहले भी दी हुई है कि वो इंडिया ने नहीं जाने दी, इंडिया अपने पास नहीं रख पाया वो सामान को। और उन्होंने वो बांग्लादेश तो कहता था इंडिया को कि आप दे दें हमें जी, क्योंकि हमारे ऊपर तो अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी हैं, तो उससे जो रूस है काफी नाराज भी हुआ था, नाराज हुआ था बिल्कुल, जो इंडिया उसने भी कहा कि हम नहीं देंगे। इसी वजह से जो है वो इंडिया ने ये भी कहा था कि इंडिया के जो बांग्लादेश के जो ताल्लुक आते हैं वो अब खराब हो चुके हैं रशिया के साथ, तो अब ये तो एक दूसरे के साथ भाई बातचीत करने से भी गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बांग्लादेश के साथ इतनी बड़ी जो डील हो जाएगी रूस की, वो तो कोई सोच भी नहीं सकता था। और ये भी कह रहे हैं ऑफर्स करवा दी। अच्छा वो हुआ इस तरह था, जो शिप थी फिर वो चली गई रशिया जी, सॉरी इधर चाइना, चाइना जी, चाइना ने अपनी शिप के जरिए वो माला माल वो सामान वो इधर भेजा, वो उसमें आया बांग्लादेश में आया, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी था जी। तो फिर वो इस तरह हुआ कि इंडिया की जो चाल थी वो नाकाम और दोस्त ने मदद कर दी चाइना ने। अब इंडियन मीडिया और इंडिया यही कह रहा है कि जो इतनी बड़ी जो ऑफर आई है अब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ी ऑफर है और मेरे ख्याल में बांग्लादेश भी इसको बड़ी समझदारी के साथ, इंडिया को भी वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी ऑफर अभी तक रूस ने नहीं की, जितनी बड़ी ऑफर्स इन्होंने कर दी है बांग्लादेश को कर दी। तो उससे इजाजत लेते हैं जी। हाँ व्यूअर्स, हमें दें इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।